बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो इसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही मुआफ़ कर देते हैं। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआ होती है। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। हसद दरअसल खुद एतमाद की कमी का नाम है। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको देखने के लिए आँखों की नहीं एहसास की ज़रूरत होती है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना मुनाफिक। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। दो आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज, जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ़ खामोशी इख्तियार करें। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप प्यार करते हैं तो फिर मोहब्बत उसको ज़रूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। इंसान के तीन हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना, एक हिस्सा कीड़ों का। जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, जो हिस्सा अपना है वो अमल है, जो कीड़ों का है वो जिस्म है। ये ज़िंदगी दो दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में है और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ज़िबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। नाराज़गी ज़हर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ।
बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की ज़िबान।